वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट वन, दैट इज सेक्शन 1 से लेकर 75 तक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, विच टॉक्स अबाउट एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो सिंपली ये सेक्शन बोलता है दैट दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, और आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है. इसका मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है. एंड द डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 1st of September 1872. नाउ आफ्टर दिस अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 में, जो कि बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की. सो इंटरप्रिटेशन क्लॉज, या हम इसे डेफिनेशन क्लॉज भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो टर्म्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थ्रू आउट यूज़ होने वाले हैं. सो नंबर वन डेफिनेशन इज 2A, दैट इज ऑफ प्रपोजल. इट सेज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेट टू मेक प्रपोजल. इसका मतलब है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा प्रकट करता है किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, ताकि उस चीज़ में उसकी एसेंट मिल जाए, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है कि वो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है, ऑफर कर रहा है. ठीक है. देन 2B बात करता है प्रॉमिस की. व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया, ऑफर किया गया, उसने अपनी एसेंट दे दी, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब कि तब कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, वचन बन गया, प्रॉमिस बन गया. देन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. सेक्शन 2C बात करता है प्रोमिसर और प्रोमिसी की. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर. जो प्रपोजल कर रहा है, जो ऑफर दे रहा है, दैट इज प्रोमिसर. द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी. जो उसको प्रपोजल दिया जा रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोमिसी. नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन की, दैट इज 2D. वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज नंबर वन डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसज टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस. इसका सिंपल मतलब समझें कि जब प्रोमिसर के डिज़ायर पर प्रोमिसी या फिर कोई अदर पर्सन कोई काम करता है या फिर नहीं करता है, या कोई काम करने या ना करने के लिए प्रोमिस करता है, तो जिस चीज़ के बदले वो करने के लिए अग्री होता है, दैट इज़ कंसिडरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर कोई चीज़ परचेज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेन परचेज़ किया, तो मैं उसके बदले में उन्हें जो पैसे दूंगी और जो पेन की वैल्यू होगी, दैट इज़ द कंसिडरेशन. तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि मैंने पेन ख़रीदा. शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन वो पैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने उसके बदले में वो कमाए. ठीक है. तो दैट इज़ कंसिडरेशन. 2E बात करता है एग्रीमेंट की. एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. तो कोई भी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसज जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, वो अग्रीमेंट होता है. इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट. प्रपोजल हुआ, अग्रीड हुआ तो प्रोमिस बना, फिर उसमें कंसिडरेशन जब जुड़ गया तो वो बन गया अग्रीमेंट. देन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस 2F में है. प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. एक दूसरे से किए गए प्रोमिस, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को पेन सेल करने के लिए रेडी हूँ, वो व्यक्ति मुझे उस पेन के लिए पैसे देने के लिए रेडी है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिस है. एक वो कर रहा है कि वो मुझे पैसे देगा, एक मैं कर रही हूँ कि मैं उसे पेन दूंगी. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रोमिस. देन आता है वॉइड अग्रीमेंट 2G. एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड. इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, मतलब कि आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हो अगर किसी ने उसका ब्रीच कर दिया, तो वो कैसा एग्रीमेंट है, दैट इज़ वॉइड अग्रीमेंट. नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2H. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा एग्रीमेंट जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करा सकते हो, मतलब उसका पालन करवा सकते हो, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. फिर 2I आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट.
एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड करवाया जा सकता है अगर वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसे वॉइड करवाना चाहे तो, लेकिन जब तक वो नहीं करवा रहा है तब तक वो वैलिड ही दिखेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर है कि वो उसे या तो वॉइड डिक्लेयर करा दे या तो ना कराए, तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद है 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी सो एनफोर्सेबल। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन अब वो क्या हो गया है, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, तो वो तब वॉइड हो जाएगा जब उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, जब वो सीज हो जाएगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें हमने एक बार समझ लिया। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं? तो जैसा कि हमने 2H में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करा सकते हैं, अगर उसका ब्रीच हुआ है तो हम उसका पालन करा सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एनफोर्सेबल या वैलिड। अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ले डाउन राइट्स एंड ड्यूटीज विच द लॉ विल एनफोर्स। इट इज़ अ सेट ऑफ लिमिटेड प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच पार्टीज में क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्व्स। पार्टीज आर फ्री टू सेटल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स आर नॉट इन वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई सर्टेन राइट्स या ड्यूटीज नहीं लिखे गए हैं जिसे लॉ एनफोर्स कराएगा। लॉ ने फ्रीडम दी हुई है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने जो भी आपको राइट्स या ड्यूटीज क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हो। ओनली कंडीशन इज दिस दैट दे दोज टर्म्स और कंडीशन शुड नॉट बी इन वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को वॉयलेट नहीं करने चाहिए। एंसन ने बोला था दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रॉमिस और प्रॉमिसेस। इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकता है जिसमें कोई एक्शनेबल प्रॉमिस हो या प्रॉमिसेस हो, जिसमें एक्शन हम कर सकते हो, विच इज़ पॉसिबल टू बी एग्जीक्यूटेड। बेसिकली फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी एंड मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो बेसिकली एक पॉइंट पर अग्री होना इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। यहाँ पे तीन प्रिंसिपल दिए हुए हैं, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट, एंड एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया वो प्रॉमिस बना, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ गया तो वो एग्रीमेंट बना, और जब एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स कराई जा सके तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो हमारा सेक्शन 10 है वो शर्तें बताता है जिसके थ्रू हम एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हो, बेसिकली कंडीशंस फॉर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन अग्रीमेंट। सो सेक्शन 10 लेज डाउन कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। सेक्शन 10 बोलता है दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, जिसके लिए हमें सेक्शन 13-21 देखने होंगे। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए हमें 11 और 12 देखने होंगे। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जिसके लिए हम 23 देखेंगे। विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम 23 देखेंगे अगेन। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जिसके लिए हम 24-30 देखेंगे। बाय फ्री कंसेंट मतलब किसी दबाव में आकर कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, फ्री कंसेंट हो पार्टीज़ की। नंबर 2, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या 18 ईयर से कम उम्र का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति कर सकता है। दिस इज़ कॉम्पिटेंसी कि क्या वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है या नहीं है, वो देखना ज़रूरी है। थर्डली फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन या प्रतिफल जो है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मिल रहा है वो लॉफुल या लीगल होना चाहिए। देन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, पर्पस है, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल या अवैध नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसे कि लॉ ने ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर किया हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, क्योंकि अग्रीमेंट के बाद ही कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने
ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, जो लॉ के द्वारा पालन कराया जा सकता है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का, केवल वही आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। हर एग्रीमेंट का पालन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा दैट एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ ओनली इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो केवल लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो पाते हैं वो ही आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट एन एग्रीमेंट कपल्ड विद एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10 इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमने ये पांच एसेंशियल्स पढ़े, जिस एग्रीमेंट में ये पांचों चीज़ें होंगी वही आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ नटशेल। तो उन चीज़ों से हम ये समझेंगे कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी से कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स बनते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर वन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को लीगली ओब्लाइज्ड करती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। कंसिडरेशन होता है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होती हैं, फ्री कंसेंट होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, कंसिडरेशन लॉफुल होता है और डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होने चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जिस भी चीज़ को करने का अग्रीमेंट हुआ है वो परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये इंक्लूसिवली हमने देखा कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो इस चीज़ का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी करता हो, लेकिन एक केस था बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी को लीगली बाउंड कर रहे हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना करे। इन इंग्लिश लॉ इट इज़ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज़ टू बी एसर्टेन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। तो इंग्लिश लॉ में ये चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो वहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर होने की इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से और सराउंडिंग सर्कमस्टेंस से समझ में आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वर्क कंपनी। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द टेस्ट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ सच इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट व्हाट पार्टीज हैड इन माइंड बट व्हाट अ रीजनेबल मैन वुड थिंक इन द सर्कमस्टेंसेस इज टू बी इन्वॉल्वड। इस केस की कहानी ऐसी थी कि एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक वर्क कंपनी, जिसने एक मेडिसिन प्रिपेयर की थी जो कि क्लेम करती थी कि अगर आप इनकी स्मोक बॉल्स कंज्यूम करोगे या जो भी मेडिसिन थी उनको कंज्यूम करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं होगी, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी आपको नहीं होगी। तो एक लेडी थी कार्लिल, इन्होंने इनकी दवा कंज्यूम की और उसके बावजूद उन्हें वो बीमारी हो गई, तो उन्होंने कंपनी पर केस किया। कंपनी ने डिनाय किया कि यहाँ पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं कंपनी और कार्लिल के बीच में। तो कार्लिल ने यहाँ बोला कि आपने न्यूज़पेपर पर एक ऐड दिया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपकी मेडिसिन कोई भी पर्टिकुलर डोजेस में जो मेंशन थे या उतने दिन जितने दिन खाने का मेंशन था अगर वो खाता है तो उसे वो बीमारी नहीं होगी, और आपने ये क्लेम किया था कि अगर किसी को आपकी मेडिसिन उस तरीके से लेने के बावजूद वो बीमारी हो जाती है तो आप उसे कॉम्पेंसेशन देंगे, और वो अमाउंट भी उस न्यूज़पेपर के ऐड में मेंशन था, और कंपनी ने उस चीज़ को और बिलीवेबल बनाने के लिए उतना अमाउंट बैंक में जमा कराया था कि हम इस फंड से अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन ओनली तो उसके बावजूद हम आपको उतना कॉम्पेंसेशन देंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि चूँकि आपने प्रॉपर ऐसा क्लेम किया कि आपकी दवा खाने के बाद ये बीमारी किसी को नहीं होगी और उसे बिलीवेबल बनाने के लिए आपने बैंक में स्पेशली पैसा जमा कराया, तो यहाँ पर देयर इज़ एन इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर किया गया कि आप उन्हें कॉम्पनसेशन दीजिए। तो ये एक बहुत ही लीडिंग केस है जिसमें कि इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन काफ़ी क्लियरली कोर्ट ने मेंशन किया था। इसी तरीके के कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस के नाम हैं, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स एंड जोन्स वर्सेस पैडावेटन। कॉन्ट्रैक्ट में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रीफिक्स्ड बाय अ पार्टी एंड अदर पार्टी कैन नॉट नेगोशिएट ऑन सच टर्म्स।
ही इज़ जस्ट सपोज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बींग इन अ पोजिशन टू बार्गेन। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि एक ही पार्टी पहले से कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स और कंडीशन को प्रीफिक्स कर देती है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो नेगोशिएट कर पाए, उसे उसी कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी बार्गेनिंग के सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बिकॉज वेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर सपोज टू बी एंटर्ड इन टू बाई अ पर्सन देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटर इन टू कॉन्ट्रेक्चुअल नेगोशिएशन विद ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये कन्वीनियंस के लिए भी होता है क्योंकि जहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जाते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा बार बार, तो हर बार कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है जो अग्रीड रहता है और उसे दूसरी पार्टी साइन करती है। लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स हैव इवॉल्व द फॉलोइंग रूल्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर पार्टी हु इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू बार्गेन। तो इस वजह से जो वीकर पार्टी है जिसके पास ऑप्शन नहीं रहता है बार्गेनिंग का, तो उसके लिए कुछ रूल्स लेजिस्लेचर ने बनाए हैं जो हम देखेंगे। पहला है द नोटिस शुड बी एडिक्वेट एंड रीजनेबल। अगर कोई भी नोटिस या सूचना उन्हें देनी है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, ये बोला गया था हेंडरसन वर्सेज स्टीवेंसन के केस में। नोटिस शुड बी कॉन्टेम्पोरेनस विथ कॉन्ट्रैक्ट। तो नोटिस जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्टेम्प्रेरी होना चाहिए। इसका मतलब है दोनों साथ साथ जाने चाहिए, एक दूसरे डायरेक्शन में और एक अलग डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। देन थर्डली टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए। ये सेंट्रल इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेज बोर्जोनाथ गांगुली के केस में बोला गया था। देन फोर्थ है देयर शुड नॉट बी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी प्रकार की फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, ये नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली एनी एम्बिग्विटी शैल बी रिसॉल्व्ड इन फेवर ऑफ वीकर पार्टी। अगर कोई भी एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी मतलब कोई चीज़ वेग है, क्लियर नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो ऐसी चीज़ का जो भी डिसीजन होगा वो वीकर पार्टी के फेवर में होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने इसे कुछ केसेस के थ्रू समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।